राजा, पुणे की टीम का गेम बहुत ऑफेंसिव है, हमें अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना होगा। इसलिए मनु और आनंद फुल बैक पे रहेंगे और फॉरवर्ड अटैक के साथ साथ फॉल बैक भी करेंगे। अरे चलो यार, फील्ड पर गेम की प्लानिंग बनाएंगे। तुम लोग चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ यार, कैप्टन जो है सोलो एंट्री मारेगा। चलो। हेलो राजा। हेलो। टॉस करे राजा? टॉस तो फील्ड पर होगा शक्ति। टॉस, गेम और फैसला, ये सब तो फील्ड पर होता है। लेकिन हम हार जीत का फैसला खेल के पहले कर लेते, क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं। नहीं है तो डाल लो, क्योंकि हराने की आदत हम में तो है। माय बॉय, देखो मधु, तुम्हारी नादानी इस लड़के की जान ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी राजा, हमने पूना टीम के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि इस लड़की के कहने पर ही तुम्हारे ऊपर उसने फिजिकल असॉल्ट किया था। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे सामने ही इसने उसे पैसे दिए थे। तुम्हारी स्टेटमेंट लेने के बाद हम उस पर भी एक्शन लेंगे। एक्शन? हम इस लड़की पर ऐसा एक्शन लेगा कि इसको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेज के बेस्ट प्लेयर को इंजर्ड कर दिया, हम इसको रस्सी कट कराएगा। बोलो राजा, तुमने क्या देखा? इसने शक्ति को पैसे दिए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस लड़की को उस एरिया में देखा तक नहीं। What are you talking? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इन्हें पैसे देते हुए नहीं देखा। राजा, तुम एक ऐसी लड़की को बचा रहे हो जो तुम्हारी जान तक लेने पर तुल गई थी। सर, अगर किसी के चाहने से किसी की जान चली जाए तो इस दुनिया में गिनती के लोग रह जाएंगे। मधु ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ओके मधु, अब तुम जा सकती हो। अच्छा राजा, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रिंसिपल साहब। चलिए। क्या राजा, तू क्या समझता है?
हीरो बन गया, जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचा लेता है झूठा बयान देकर। मैं कोई हीरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के लिए जिसका इंसानियत से कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है इंसानियत से उसका, बस घमंड का खोल चढ़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी एक नादानी की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिले कि उसका करियर बर्बाद हो जाए। शीतल, इंसान सजा मिलने से गलतियां करना नहीं छोड़ता, बल्कि गलती के एहसास से गलतियां करना छोड़ता है। बंसी काका, राणा जी कहाँ गए? शिकार पर। आपने शिकार हाथ से जाने दिया, वो भी जख्मी। अब वो बहुत खतरनाक हो गया है, धोखे से हम पर भी हमला कर सकता है। इस जख्मी जानवर को घुटने पर रेंगते हुए देखकर मुझे एक बात याद आई कि दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, उसे इसी तरह जख्मी करके छोड़ देना चाहिए ताकि जब कभी उसके घाव में टीस उठे तो हमें याद करके जिंदगी भर कांपता रहे। आपका इशारा आपके दुश्मन सूरज भान। नाम मत लो उसका। उसका नाम सिर्फ हम लेंगे और वो भी उसे मिट्टी में मिलाने के बाद।
उठो उठो उठो। तैयार है दैया, कैसा काटा है कुत्ते ने? लड़की वो कुत्ता नहीं, चीता था। हाँ हाँ हम जानते हैं, हम इसी जंगल में रहते हैं और ऐसे जानवर को कुत्ता ही कहते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे क्या उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हो? चलो उठो हमारे साथ चलो, हमारा घर पास ही में है, तुम्हारे घाव की दवा दारू करनी पड़ेगी। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसे आदमी हो तुम, आधी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और वहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं तुम ऊपर पहुँच गए तो? ए, सुनो, देखो हमें ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। चलो अब उठो हमारे साथ चलो, जल्दी उठो, चलो। बहादुरी दिखाने का मजा मिल गया। भला बताओ कोई बात हुई, आधी रात को कोई जंगल से गुजरता है क्या? चलो गुजरना पड़ भी जाए तो गाड़ी नहीं रोकता, अगर गाड़ी रोकनी भी पड़ जाए तो उससे नीचे नहीं उतरता। मान लो नीचे उतर भी गए तो हाथ में हथियार तो होना चाहिए, अगर हथियार ना भी हो तो कम से कम होशियार तो रहना चाहिए ना। हाँ इसमें इतना हंसने की क्या बात है, चलो हम तुम्हें दवा लगा देते हैं। तुम बहुत बहादुर और प्यारी लड़की हो, तुमने हमारी जान बचाई और अब सेवा भी कर रही हो, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हमने तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछा? नहीं पूछा ना, बस तुम्हें मुसीबत में देखा तो सोचा पल्लवी इनकी मदद करो। वैसे हमें अजनबियों से जान पहचान का कोई शौक नहीं है, पल्लवी को तो सभी जानते हैं। ओ, तो तुम्हारा नाम पल्लवी है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा पल्लवी ये बताओ कि हम तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करें? अगर तुम वक्त पर नहीं आ जाती ना तो चीता तो हमारी जान ही ले लेता। हमें उसकी चिंता नहीं थी, हम तो ये सोच के घबरा रहे थे कि कहीं शेर तुम्हें सफाचट कर जाता ना तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होता। अरे रे कहाँ जा रहे हो? भाई घर जा रहा हूँ। फिर वही बात, इतनी रात गए, कमाल के आदमी हो। अरे चलोगे फिरोगे तो खून निकलेगा, कुछ समझते ही नहीं हो। देखो पल्लवी, एक तो तुम बड़बड़ बहुत करते हो, ऊपर से किसी की सुनते नहीं हो। हमने कहा आराम करो, तुम यूट की तरह खड़े हो गए। अब सुनो, जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, समझे? जी समझ गया। तो बैठो और आराम करो, हमें नींद आ रही है। ठीक है जैसा तुम कहती हो, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते, पता नहीं कैसे इतनी बड़बड़ कर लेते हो। मैं तो जरा सा बोल लूं तो मेरे जबड़े दुखने लग जाते हैं। हाँ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठ जाओ हमें नींद आ रही है। लो, बैठ गया। हाँ ठीक है अब हम सोते हैं। बंदूक लेके आता हूँ। जीजाजी बंदूक कहाँ रखी है? अरे मेरी जोरू के इडियट भाई, डाकू नहीं डाक। डाक? अच्छा हुआ अगर डाकू आते ना तो मेरे हाथ से बचते नहीं, मैं तो उनको। बकवास बनकर, अरे तू तो कानों से भी बहरा है, अकल से भी पैदल है, जा चिट्ठी लेकर आ। मिट्टी? क्या जीजाजी को लगाना है मिट्टी? मर गया। मिट्टी लेकर आ। चिट्ठी? ये बोल रही है मिट्टी, हमारा खानदानी ऐसा है। बाप रे, तुम्हें ये नमूना कहाँ से मिला हुआ है? किसी दिन भगा दूंगा साले को। आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। किसकी चिट्ठी है जी? राजा की। बाजे की? अभी तक मेरी शादी तय नहीं हुई, बाजे वालों ने चिट्ठी भेज दी। ये बाजे जी, राजा की चिट्ठी है, राजा की। हाँ राजा। मुझे चिट्ठी सुनने दो। अरब तू जरा चुप बैठ, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगी। नहीं नहीं। पढ़िए तो, क्या लिखा है मेरे राजा ने? डियर मम्मी, हाय डैड, मैं ठीक हूँ और सब ठीक ठाक हुए। मेरी पढ़ाई खूब जोरों से चल रही है, इस साल भी फर्स्ट क्लास आने वाली है।
माँ तेरी बहुत याद आती है, जल्दी ही घर आने वाला हूँ। हाँ दहेजी, मामा के कान अब भी बहुत बजते हैं। और बाकी सब ठीक है उल्लू का पट्टा? डैडी को सिर्फ हाय, आने दो इसे, बताता हूँ कि बाप क्या चीज होती है। बहुत बुरी चीज होती है, कबीरदास कहते हैं पाप करने वाले नरक में जाते हैं। अरे तू नरक में कब जाएगा, मेरी जिंदगी तो नरक बना ही दी है तूने। टीका दीदी हर बार मुझे डांटते रहते हैं, अगर दहेज में मुझे यहाँ न लाती तो मैं भी राजा की तरह कॉलेज में जाता, कुत्ता पढ़ता। मालिश तो मुझे गर्म होने के लिए चाहिए थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो मौत का सौदागर जो हमारे कॉलेज में ड्रग्स बेचता है और हमारे लड़कों को बर्बाद करता है। लड़के? हाँ तो दोस्तों, आज राजा से आगे निकलने का चांस है, देखते हैं राजा आज क्या कर्तव्य दिखाता है। राजा को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, टकरार से नहीं। कम ऑन फॉलो मी। मर गए फूलन देवी। गर्ल्स गेट रेडी, लगता है शिकार आ रहा है। आज इन बंदरों को गुलाटी मारना भुला देते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, रास्ता रोको। मैंने कहा देवी जी कान से रुई निकालिए। बड़ी अच्छी कलाकार हैं आप, तस्वीर तो मेरी अच्छी बनाई है, मगर बदन अपने बुजुर्गों का क्यों लगा दिया आपने? तुम्हारी गुस्ताखी ने हमें गुस्सा दिलाया है और हम गुस्सा दिलाने वाले को सजा जरूर देते हैं। लड़कियों के हाथ श्रृंगार के लिए होते हैं, चट्टानों से टकराने के लिए नहीं। वैसे तो हम पर हाथ उठाने वाले का हम हाथ तोड़ देते हैं, मगर लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दों के शान के खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। चलो रास्ता साफ करो। मर्द हो तो रास्ते की रुकावटों से क्यों डरते हो? ये बात है।
ये करतब तो मैं पहले भी दिखा सकता था, मगर तुम्हारे घमंड ने तुम्हारे दोस्तों का नुकसान करने पर मजबूर कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि ये एटलस की साइकिलें थी, वरना चूर चूर हो जाती। आइंदा किसी मर्द से टकराने से पहले ये सोच लेना कि तुम एक लड़की हो, कमजोर लड़की। और हाँ, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ते से ही हटा दूंगा। मेरा नाम राजा है, राजा। देखा मधु, तुम्हारी जिद ने हमारा नुकसान भी कराया और हमारी बेइज्जती भी। हाँ यार, वो लड़के हैं, उनसे टकराने में हमारी जीत नहीं हो सकती। ओह शट अप, तुम लोग क्या समझती हो, मैं हार कर खामोश बैठ जाऊंगी? मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। आए सुंदर बालिके, जिस कहावत का आपने अभी अभी प्रयोग किया है प्राय पुरुषों के प्रयोग में आती है। By the way, I am Bisweswarnath Trivedi from Mathuras, the birthplace of Lord Krishna's. You know? आपके विद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ, त्रिवेदी। तो फिर यहाँ क्या घास खोदने आए हैं? जाकर क्लासेस में लेक्चर दीजिए। परंतु बालिके, मेरी एक समस्या है, जिसका विवरण जब मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने किया तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप ही मेरी समस्या का निवारण करें। बोलिए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। You know, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, अर्थात बर्थडे, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डेज टू हिम। मेरी इच्छा है कल उनका जन्मदिन अपने कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हेल्प्स एंड एड्स। हमने बहुत विचार के बाद निर्णय लिया है कि मैदान में दही हांडीज बांधी जाएं, रात भर भजन कीर्तन करें और प्रातः काल दही हांडीज को तोड़ दिया जाए। व्हाट फन, हाउ इज माय आइडियाज? Beautiful, beautiful. Thank you, thank you. लेकिन चतुर्वेदी जी। त्रिवेदी, बालिके, त्रिवेदी, एक और वेद का भार मुझ पर न डालो। ठीक है द्विवेदी जी। हाँ बालिके, एक वेद घटाकर मेरा अपमान न करो। ठीक है ठीक है, जितने वेद है उतने वेदी जी। लेकिन गोविंदा पर लड़के मटके फोड़ते हैं। हाँ? तो क्या आपके पास लड़के नहीं हैं? मेरा मतलब है, आप अपने लिए लड़कों का प्रबंध नहीं कर सकती? मेरा मतलब इस आयोजन के लिए। सोचिए सोचिए। पंडित जी, इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन आपको पास वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा लड़कों को इनवाइट करने। आइडियाज आइडियाज, मैं सीधा उस कॉलेज में निमंत्रण देने जाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ के अरेंजमेंट्स कर ले। गुड बाइज, गुड बाइज, गुड बाइज, गुड बाइज। मधु, फिर मुसीबत को दावत दे दी, वक्त तो आने दो, फिर पता चलेगा मुसीबत किस पर आएगी। एमके शास्त्री। कम इन। प्रणाम महोदय। सॉरी जेंटलमैन, नो डोनेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आवर कॉलेज ऑल्सो रन्स ऑन डोनेशन। नो 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 नो, आई डोंट कम फॉर डोनेशन, आई कम फॉर इनविटेशन। व्हाट इनविटेशन? हमारे कॉलेज में एडमिशन एप्लीकेशन से होता है, इनविटेशन से नहीं। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा चलता है, हमको इनविटेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। Please don't waste my time. नहीं नहीं शास्त्री जी, आप हमारा अभिप्राय नहीं समझे। क्या अभिप्राय? नहीं मतलब, हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, अरे हम तो स्वयं अध्यापक हैं। हाँ नमस्कार। कोई बात नहीं, हमें कुछ लड़के चाहिए, कल हमारे गर्ल्स कॉलेज में उनकी आवश्यकता पड़ गई है। What? हम अपना बॉयज आपका गर्ल्स के लिए नहीं दे सकते हैं। What a shame. अपना मुंह से अपनी गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज मांगता है, वेंकटेश्वर है। नहीं 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 शास्त्री जी, ये उत्तर दक्षिण की गड़बड़ हो गई है, आप हमारी बात नहीं समझे। यू नो कम्युनिकेशन गैप्स। अभी हम सीधी सीधी बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यू नो कल लॉर्ड कृष्णास का बर्थडे है। यस सर। नो। यस सर। आई कम फ्रॉम लॉर्ड कृष्णास बर्थ प्लेस, यू नो मथुरा। यस सर। नो। यस सर। कल हमारे कॉलेज में वही फंक्शन है और कॉलेज गर्ल्स का है, दही मटकी तोड़ने के लिए बॉयज की आवश्यकता है। यस सर। नो। यस सर। तो हम आपके कॉलेज के बॉयज को इनवाइट करते हैं। यस सर। नो। यस सर।
तो पहले से बोलना मांगता है ना। इतना गड़बड़ करके आपने हमारा कितना टाइम वेस्ट किया। ओके, आपका गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज कल तैयार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम्स, वेलकम्स। ठीक है क्या? देखो मधु, और ऊपर। कितना ऊपर? और ऊपर बांधो। अरे क्या कर रही है मधु? मटकी आसमान पे बांधेगी क्या? अगर इतने ऊपर से कोई गिरा तो उसकी एक भी हड्डी नहीं बचेगी। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो ही हीरो बनने की कोशिश करेगा, बस उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाए, फिर देखते हैं। तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग अभी आते होंगे। कितना सुंदर आयोजन हुआ है। मैं बोला था ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बालिके, कृष्ण कन्हैया का तिलक करो। एक मिनट राजे। अगर डर लगता है तो हम हांडी थोड़ी नीचे करा देते हैं, वहां तक एक मर्द ही पहुंच सकता है। लेकिन तुम पर मेहरबानी करने की एक शर्त है। सबके सामने हमारे कदमों पर अपनी ऊंची नाक रगड़ो, जब तक हम मना ना करें। शर्त मंजूर है? शर्त हार जीत के लिए लगाई जाती है, मेहरबानी के लिए नहीं। शर्त यह होनी चाहिए कि अगर हम हांडी नहीं फोड़ पाए तो नाक हम रगड़ेंगे, लेकिन अगर हमने हांडी फोड़ दी तो नाक तुम रगड़ोगी। मंजूर? मंजूर। कम ऑन बॉयज, चलो चलो। देखा, हमने आंडी फोड़ दी, अब रगड़ो नाक। नहीं नहीं, तुम्हारी नाक गंदी है, मेरा जूता खराब हो जाएगा। वैसे भी अपनी नाक उसी जगह पे रखना, वरना कट जाएगी। पुणे की टीम का गेम बहुत ऑफेंसिव है, हमें अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना होगा। इसलिए मनु और आनंद फुल बैक पे रहेंगे और फॉरवर्ड अटैक के साथ साथ फॉल बैक भी करेंगे। अरे चलो यार, फील्ड पर गेम की प्लानिंग बनाएंगे। तुम लोग चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ यार, कैप्टन जो है सोलो एंट्री मारेगा। चलो। हेलो राजा। हेलो। टॉस करे राजा? टॉस? टॉस तो फील्ड पर होगा शक्ति। टॉस, गेम और फैसला, ये सब तो फील्ड पर होता है। लेकिन हम हार जीत का फैसला
खेल के पहले कर लेते क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं। नहीं है तो डाल लो क्योंकि हराने की आदत हम में तो है। माय बॉय देखो मधु तुम्हारी नादानी इस लड़के की जान ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी राजा, हमने पूना टीम के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि इस लड़की के कहने पर ही तुम्हारे ऊपर उसने फिजिकल असॉल्ट किया था। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे सामने ही इसने उसे पैसे दिए थे। तुम्हारी स्टेटमेंट लेने के बाद हम उस पर भी एक्शन लेंगे। एक्शन? हम इस लड़की पर ऐसा एक्शन लेगा कि इसको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेज के बेस्ट प्लेयर को इंजर्ड कर दिया, हम इसको रस्सी कट कराएगा। बोलो राजा, तुमने क्या देखा? इसने शक्ति को पैसे दिए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस लड़की को उस एरिया में देखा तक नहीं। What are you talking? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इन्हें पैसे देते हुए नहीं देखा। राजा, तुम एक ऐसी लड़की को बचा रहे हो जो तुम्हारी जान तक लेने पर तुल गई थी। सर, अगर किसी के चाहने से किसी की जान चली जाए तो इस दुनिया में गिनती के लोग रह जाएंगे। मधु ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ओके मधु, अब तुम जा सकती हो। अच्छा राजा, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रिंसिपल साहब। चलिए। क्या राजा, तू क्या समझता है? हीरो बन गया? जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचा लेता है झूठा बयान देकर। मैं कोई हीरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के लिए जिसका इंसानियत से कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है इंसानियत से उसका, बस घमंड का खोल चढ़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी एक नादानी की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिले कि उसका करियर बर्बाद हो जाए। शीतल, इंसान सजा मिलने से गलतियां करना नहीं छोड़ता बल्कि गलती के एहसास से गलतियां करना छोड़ता है। हाँ
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सिस्टर। सिस्टर? यस सर। इतने सारे फूल कौन ले आया? कौन है वो जिसने मेरा कमरा गुलशन की तरह सजा दिया? वो खुद भी एक फूल के जैसी है। जैसी? यू मीन लड़की है? यस, वो बेचारी सुबह से दरवाजे पर खड़ी है आपके जागने के इंतजार में। व्हाट ए स्वीट फेस। प्लीज सिस्टर, उस मेहरबान को अंदर बुलाइए। ओके सर। हेलो मधु, इन फूलों का और दुआओं का शुक्रिया। I'm very very sorry राजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खेल खेल में मेरी शरारत कहाँ तक पहुँच गई। अगर तुमने पुलिस को झूठा बयान देकर मुझे बचाया ना होता, मुझे माफ कर दो राजा। Please forgive me। खेल खेल में तो जिंदगियाँ बदल जाती हैं। देखो मधु, आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा या तो खुशी से खिला हुआ देखा है या फिर गुस्से से लाल। ये उदास और बुझा बुझा सा चेहरा हमारी शैतान मधु का नहीं हो सकता। कम ऑन चेहरा, ये हुई ना बात। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ तो कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जल्दबाजी से काम मत लो। अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे सको तो? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है राजा। तो मिलाओ हाथ, आज से दुश्मनी और नफरत का दौर खत्म और दोस्ती का और अपनेपन का दौर शुरू। मंजूर? मंजूर। कहाँ खो गई? पागल जो ठहरी, जागते हुए सपने देख रही थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल मिलने आऊंगी। जब तक मैं ना आऊं तुम खुद अपना ख्याल रखना। बाय बाय। यदि कोई बात हुई सॉरी, ओ आई एम सॉरी। मधु, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? तेरा सर तोड़ने के लिए। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही थी अंदर। कुछ भी कर रही थी, तुमसे मतलब? देख रही होगी किसी राजकुमार के सपने, बताना कौन है वो। सपना भी मेरा और राजकुमार भी मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं? मत बता। लेकिन हम ये बताने आए हैं कि तेरे पापा बहुत देर से प्रिंसिपल के ऑफिस में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या पापा आए हैं? पापा। Hey, मधु। पापा। कैसी हमारी गुड़िया? नाराज है आपसे। भाई ऐसा क्यों? चलो अगर हमसे गलती हो गई तो हम आपसे माफी मांग लेते हैं। मधु ने भी माफ किया। थैंक यू योर मैजेस्टी। अब ये बताइए कि हमारी गलती क्या है? इतने दिनों बाद बेटी की याद आई। ओ, गलती तो हो गई। चलो आप जाके सामान ले आओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपने साथ ले जाने की प्रिंसिपल साहब से परमिशन ले ली है। ओह वाओ डैड, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सर, यू आर वेरी काइंड। इट्स ऑल राइट मधु। पापा मैं अभी आई। राणा साहब बहुत शरारती हो गई है मधु। इसकी शरारतें ही हमारी जिंदगी की खुशियां हैं भार्गव साहब। देखा आपने, बिना खता के माफी मांगनी पड़ती है। ड्राइवर गांधी रोड ले चलो। जी बेटी, कुछ खरीदना है? नहीं पापा, एक दोस्त को गुड बाय कहना है। दोस्त को गुड बाय कहना है? इज इट ही और शी? ही डैड। देखो बेटी, किताबें और दोस्त चुन कर रखने चाहिए। पापा आपकी बेटी रद्दी की दुकान नहीं खोलेगी। ड्राइवर इस गेट के अंदर लेना। डैड। पापा आप थोड़ी देर बैठिए, मैं जरा मिलकर आती हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में? इसका मतलब आपका दोस्त बीमार है, हमें भी उससे जरूर मिलना चाहिए। वेलकम डैड, मेरे दोस्त को बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। आइए। हेलो राज।
राजा। हाय। राजा ये है मेरे डियर डियर पापा श्री शमशेर सिंह राणा। हेलो सर। हेलो बेटे। और पापा ये है मेरे दोस्त राजा, अ वेरी ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन। और ये दो, ये सब कैसे हुआ? सर फील्ड में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। एक बात बताऊं, पहले मेरे और राजा में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अब हम दोनों दोस्त हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, वरना ये दुश्मनी इंसान को बहुत बेचैन कर देती है। हाँ तो राजा बेटा, इस लड़की के साथ दुश्मनी कभी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी लड़की है और इसका गुस्सा हमेशा इसके नाक पर चढ़ा रहता है। आखिर हम बेटी किसकी है? अच्छा पापा, आप राजा से बातें कीजिए, मैं अभी आई। अच्छा बेटे। बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये किशनगंज का। किशनगंज में किसके बेटे हो? सूरज भान सिंह तोमर। पापा आप चले आए? हाँ बेटी, वहाँ देर तक बैठता तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता पापा? वो हमारा प्लेन मिस हो जाता। लाओ ये गुलदस्ता मुझे दे दो, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी में जाकर बैठो। लेकिन पापा मैं खुद गुलदस्ता देकर जल्दी आ जाऊंगी। दोस्तों को अलविदा कहने में बड़ी देर हो जाती है मधु, तुम अगर ऊपर गई तो बहुत देर हो जाएगी। लाओ इसे मुझे दे दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी बहन की डोली मेरे घर वापस नहीं आई है, हमारी दोस्ती की अर्थी आई है। सूरज भान हमारा दुश्मन है, उसके बेटे के साथ। यकीन मानो राजा, तुम्हारे यहां आने की खुशी सबसे ज्यादा मुझे हुई है। वो क्या है, जीजा जी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, कठिया आ गए हैं। मैं कहता हूँ आह, वो कहते हैं वाह। मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ सुनते हैं। जाने दो, उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन एक बात कहूँ दीदी? हाँ बोलो। अपना राजा कितना अच्छा लग रहा है। आखिर बेटा किसका है? पता नहीं। क्या कहा? मेरा मतलब ये कि जब आप ही पूछ रही तो मैं क्या बताऊँ। है ना राजा? कमाल है। रुमाल, रुमाल है ना, रुमाल। एक बात बताओ माँ। क्या? डैडी क्यों नहीं आए? मैंने कहा चलिए, तो कहने लगे मैं तो नहीं चलूंगा। हाँ, मेरे बेटे को मेरा तोहफा जरूर दे देना। तोहफा? सोफा गाड़ी में कहा, वो तो घर में, गाड़ी में तो सीट होती है। लपड़ा वो क्या है, थोड़ा जीजा जी की तरह हो गया। कौन सा तोहफा माँ? ये देखो। क्यों बच्चे, जवानी का घमंड टूटा या नहीं? बुढ़ापे का एहसास हुआ? अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। बाप ही को तो बोल रहा हूँ डैडी। ठीक है ठीक है, अपने आप को 30 माह का समझता है ना तू? अब क्या? अरे सफर से थक कर आया है ना तू, इसलिए तुझे माफ करता हूँ। जा जाकर आराम कर, फिर कभी देख लूंगा तुझे। कम ऑन डैड, पहले ही हार मान ली होती तो ये बहाना तो नहीं करना पड़ता। अभी माँ को बताता हूँ। माँ क्या कर रहा है यार, मेरी ही बीवी के सामने मेरी नाक कटवाएगा? जिंदगी भर मेरी खिल्ली उड़ाती रहेगी वो। अरे राजा बेटा। अरे आ गई। हाथापाई छोड़ो और चाय पीने आ जाओ। माँ बाहर ही लगा दो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा बेटा। डैडी पता नहीं क्यों मूड हो रहा है कि माँ को बता ही दूँ। क्या? यही कि
आप बूढ़े हो गए और आप मुझसे हार गए। ए, दिमाग खराब हो गया तेरा। देख राजा, अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त होगी क्या तुझसे? अरे आपस का मामला है, माँ को बीच में क्यों लाता है? डैडी, अब बाप बेटे के बीच माँ ही तो होती है। देख बेटा, कुछ ले देकर मान जाएगा क्या? इसके बारे में सोचा जा सकता। अरे सोचना क्या है, जो मांगना है मांग मांग, माँ को नहीं बताना है। वादा? हाँ वादा, बोल। उधार रहा, वक्त आने पर मांग लूंगा। क्या मांग रहा है बेटा? बता दो, माफी मांग रहा है। मुझे चैलेंज किया था, हार गया। आप भी हद करते हैं, बच्चे से आपका क्या मुकाबला? ले बेटा दूध पी। चेतक? हाँ आ रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना, बुला रहा है। चलता हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। बस हवा पर सवार हो गया चेतक और बंदूक। ये लड़का दो पल माँ के पास नहीं बैठेगा, जैसे माँ से कोई प्यार ही नहीं है। अजी, हम जो हैं आपसे प्यार करने के लिए। शर्म कीजिए, बेटा बराबर का हो गया है। बदतमीजी है ये। दर्द हुआ ना, चोट लगती है तो दर्द होता है बाबू। तुम तो इंसान हो, इसलिए चिल्लाकर बता दिया कि तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन वो बेचारा बेजुबान जानवर कैसे बताता? तुम्हें क्या पता जिसकी जान जाती है कितना तड़पता है वो। अरे जो दूसरों का दर्द नहीं समझता वो इंसान नहीं होता। जानते हो जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है, इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोले भाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। ऐसी बेवकूफी की बातों पे कैसे विश्वास होगा? ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे क्या जवाब देंगे? ओ शहरी बाबू, इतना घमंड मत करो, इन्हें बेजानवर समझो, इन्हें दिल से पुकारो, बहुत प्यार से जवाब देते हैं ये। मेरे भी एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी? कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? चलो चलो नीचे उतरो। क्यों? अरे उतरो तो सही। अब पूछो कि हमने दूसरा थप्पड़ क्यों मारा? ये हमने गुस्से में नहीं मारा, ये हमने इसलिए मारा ताकि तुम्हें पहला थप्पड़ याद रहे। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे कि इंसान के मुंह पर दूसरा थप्पड़ पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पहला थप्पड़ याद रहता है। तैयार है तैयार, बहुत जोर से भूख लगी है, वरना आज हम अच्छी तरह समझा के जाते। समझ गया ना चेतक? जानते हो जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है, इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोले भाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। अरे शहरी बाबू, तुम एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए? अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए। स्वर्गीय? तुमने कल भी यही बात कही थी। भला ये दीनानाथ मास्टर है कौन जो स्वर्गीय होने के बाद भी तुम्हारी जुबान पर बैठे हुए हैं? वो तो हमें भी नहीं मालूम, पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? तुम्हारे करारे थप्पड़ की वजह से। वो तो आनी ही थी, शुक्र करो एक ही थप्पड़ में आ गई। दैया रे दैया, जानना पहचान बात करते चले जा रहे हो। जान पहचान तो कल ही हो गई थी उस बेचारे जानवर की वजह से।
वैसे लगता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। नाराज तो थे हम, फिर हमने सोचा पल्लवी ये शहरी बाबू तो तेरी तरह जानवरों से प्यार करने लगा है, तो कर दे दुश्मनी खत्म, सो कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या कह के पुकारे। मेरा नाम राजा है। हमने पूछा तुम्हारा नाम, राजा हो या गंगू तेली हमें क्या लेना देना, तुम बोलते बहुत हो। वैसे हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें साथी कह के पुकारे। साथी? साथी का मतलब समझते भी हो कि नहीं? नहीं, समझा दो ना। ओफो, क्या क्या समझाना पड़ेगा तुम्हें। साथी का मतलब होता है जन्म जन्म साथ निभाने वाला, जिसके साथ रहने को जी चाहे, जिससे बातें करने को जी चाहे, और जिसके मुंह पर थप्पड़ मारने को जी चाहे। वो तो हमने गुस्से में मार दिया था, दोस्ती में इतनी जोर से थोड़ी ना मारते हैं। लो, हम भी यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हम जाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। लो, हमारी अकल भी मारी गई है, अभी अभी तुम्हें साथी कहा और अकेले चल दिए खाना खाने। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, चलो हमारे साथ, हम उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। तो आ जाओ घोड़े पे, जल्दी घर पहुंच जाओगी। ना बाबा ना, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पे नहीं बैठते। क्यों? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो समझा दो ना। वो भी समझा दूंगी बाबा, पहले घर पे तो आओ। चल। तुम क्या उड़कर आ गए? तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा घोड़ा ही हवा से बातें कर सकता है? जानते नहीं, जवान लड़कियां हवा की तरह इधर उधर घूमती है जैसे कि तितलियां। ओ, तो ये आपके स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर ने कहा होगा। अरे तुम्हें कैसे मालूम? वैसे ये बात तो बाबा बताते हैं। तुम्हारे बाबा और मास्टर जी की कही हुई बातें इलाके के सब लोग जानते हैं। हाँ सो तो है। अरे तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ना साथी। ये देखो हमारे बाग के मीठे मीठे फल, खाओ ना। अब बताओ कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पर क्यों नहीं बैठ सकते? तुम तो एकदम बुद्धू हो। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहते थे कि शादी से पहले लड़का लड़की से टकराता है तो क्या होता है? बिजली कड़कती है। फिर? बेचैनी होती है। फिर? दिल पे अधिकार नहीं रहता। फिर दिल ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से अकेले लौट नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? लो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तैयार है तैयार, कैसे बेशर्मो अनाड़ी कहीं के। उन दोनों में ये कैसा धमाका था? वो पीछे पहाड़ी है ना, वहां पे बारूद लगा के चट्टाने तोड़ते हैं। हर बार धमाके पे ऐसा ही भूचाल आता है क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी रात को जब बड़ी चट्टान तोड़ते हैं ना तो इतनी जोर से धमाका होता है कि हमारी झोपड़ी पीपल के पत्ते की तरह काम जाती है, और सोते सोते हम बाबा के बिस्तर पे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे बिस्तर पे। इसमें इतना हंसने की क्या बात है, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? सिर्फ झूठ नहीं, महाझूठ। अरे ये तो वही बात हो गई कि बादल में बांस डाला और बारिश हो गई। बंडलबाज। क्या मैं बंडलबाज हूँ? थोड़ी देर ठहरो, सब पता चल जाएगा। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को। अब समझ में आई फारसी? हाँ, अच्छी तरह से। तो इसी बात पे हम तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, वरना बाबा आ गए तो कहेंगे मेहमान को चाय तक नहीं पिलाते। पल्लवी बेटे। लो बाबा आ गए, बड़ी लंबी उम्र है हमारे बाबा। अरे किसके साथ बड़बड़ कर रही है बिटिया? नमस्ते जी। जीते रहो बेटे, कहीं ये वो नौजवान तो नहीं जिसके गाल पे कल तूने चांटा मारा था? चुप रहो ना बाबा, बिचारी को क्यों याद दिला रहे हो, उसका गाल दुखने लगेगा। हाँ, और इसी के लिए तूने मेरी रात भर नींद हराम कर दी थी। हाँ बेटे, ये रात भर तुम्हारे बारे में बड़बड़ाती रही, मैं तो मुंह फेर के सो गया, और ये पगली समझी कि मैं हिरण की और तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ। इसका मतलब बाबा तुमने हमें उल्लू बनाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। बाबा। अरे मेरी भोली बिटिया, तू अच्छा एक काम कर, ये ले शनिवार को डाकखाने में जमा करा देना,
एक मिनट, मुझे दे, तू भूल जाएगी, मैं खुद ही जमा करा दूंगा। हम तुम्हारी तरह भुलक्कर थोड़ी हैं, अब खाने के समय कोई काम दोगे तो भूल ही जाएंगे ना, लाओ पैसे। हाँ, लेकिन याद करके बेटे जमा करा देना। हाँ करा देंगे। हाँ बेटे, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं? नहीं शुक्रिया, मैं चलूंगा। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओके सर। बेटे जाओ, मेहमान को बाहर तक छोड़ आओ। हाँ चलो। अच्छा चलो पल्लवी, फिर मिलेंगे। पल्लवी नहीं, साथी, इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा बाबा माफ कर दो साथी। सी यू। चल बेटा। सोच भी नहीं सकता था कि इस पहाड़ी जंगल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा, यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, ये मेरे पापा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ, इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो, क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, जिद मत करो। अब तो हम देख कर रहेंगे। राजा दिखाओ। नहीं राजा, दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज, देखने दो। मधु बिटिया, राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके बाय बाय। देख के चलिए ना काका। हाँ बिटिया, हम ही ना देख सके कि तूफान मेल आ रहा है। राम। क्या बात है मधु, तेरे चेहरे पर इतने गुलाब क्यों खिले हुए हैं? किसी से शर जीत कर आई है क्या? ऐसा ही समझ लो माँ, तुम्हारी बेटी अब कभी नहीं हारेगी। आखिर बेटी किसकी है? सुना तुमने, मधु ने अब ना हारने की कसम खाई है। तुम्हें अपना जो बनाना है। इलाके में कदम मत रखना, शायद हम तुम्हें दोबारा माफ न कर सकें। हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। अंकल, मेरे बाप ने मेरे बदन से निकले खून की एक बूंद भी देख ली तो खून की नदियां बहा देगा आपके इलाके में। लेकिन आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। बुजदल,
जिनकी रगों में ठाकुरों का खून होता है वो अपनी दुश्मनी दुश्मन से निकालते हैं, उसकी औलाद से नहीं। तूने मेरे बेटे के बदन पर जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरज भान, अगर हम बुजदिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं तुझे मौत के घाट उतार कर। अवधेश, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। सूरज भान, ठाकुर है तो छाती निकालकर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूं। राणा, आजमाना है तो आजमा, अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरज भान कभी पीठ नहीं दिखाएगा। दोनों अपने हथियार नीचे रख दीजिए। आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिश्नर, वरना 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 आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेते, यही ना? आप लोग क्या समझते हैं, इस मुल्क में कोई कानून नहीं? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों को इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। जाओ सूरज भान, आज कानून ने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात मेरी भी सुन लो राणा, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का खून तो क्या, आंसू की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी हवेली की दीवारें तुम्हारे ही खानदान के खून से रंग दूंगा। अरे साथी, साथी, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम मत आना, बारिश हो रही है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ, तुम तो बुरी तरह भीग गए। लो, अब हमें क्या देख रहे हो? छतरी खोलो और इसके अंदर आ जाओ। तो? लो। अरे मैं तो भीग ही गया हूँ, तुम भी तो भीग रही हो, आ जाओ छतरी में आ जाओ। फिर वही, इतनी बार समझाया है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, तुम जल्दी अंदर चलो, ज्यादा भीग गए तो निमोनिया हो जाएगा। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे निमोनिया नहीं, निमोनिया। हाँ हाँ, एक ही बात है। हाँ। की खाल क्यों निकालते हो? तुम चलो अंदर, मुझे ही दोष दोगे अगर ज्यादा सर्दी लग गई तो। चलो। अरे हाँ, मास्टर दीनानाथ बोलते थे सर्दी लग जाए तो पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मुझे ही कहते। ये लो, पोछ लो। मेरे चक्कर में तुम भी भीग गई। कोई बात नहीं साथी, वैसे भी हम सुबह से नहाए कहाँ थे, लेकिन एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई, तुम इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आ गए? लो, तुमसे मिलने डाकघर, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? अरे हाँ साथी, क्या बताएं, हम निकले तो थे डाकघर जाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमने खाना तो खाया ही नहीं, तभी हम सोचे कि हमें इतनी भूख क्यों लगी है, बस इसलिए हम लौट आए। पर तुम्हें कौन सा तार भेजना था हमें, जो तुम वहाँ भी गए और यहाँ भी दौड़े चले आए? उस दिन बात अधूरी रह गई थी ना, अब बताओ दो जवान जिस्म टकराने से क्या होता है? बिजली कड़कती है, बेचैनी बढ़ती है, दिलों पर अधिकार नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है पल्लवी? ओफो बाबा, उन दोनों में बोलो ना पल्लवी, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। हाँ तो मिस्टर राजा, आज हम आप में रंग भर देते हैं। Oh
जिसका जिक्र इस हवेली में जुर्म माना जाता है, तुम उसकी तस्वीर बना रही हो। आपकी नजर में उसका जिक्र जुर्म हो सकता है पापा, लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। दोबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। पापा, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। राजा मेरी जिंदगी है पापा। तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारे हुक्म के खिलाफ अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हवेली के दीवारों में चुनवा दी जाओगी। दीवार में चुनवाकर आप मेरी मोहब्बत को अनारकली की मोहब्बत की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे। कोई तो रास्ता निकालिए, आखिर यह हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, और शायद होनी भी यही चाहती है, तभी तो वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगर उन्हें इस दुश्मनी का पता होता तो वो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। आप सूरजभान भाई से बात कीजिए, क्योंकि मेरा राणा जी से बात करना बेकार है, वो तो 25 साल पुराने जख्म को रेतते रहते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी आपके पास, अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है, आप ही रास्ता निकालिए। किसकी इजाजत से मेरे दुश्मन की चौखट पर नाक रगड़ने गई थी ठाकुराइन? राणा की मार मर्यादा और उसकी पगड़ी दुश्मन के कदमों में रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? राणा साहब, सूरजभान सिंह की जोड़ी पर एक ठाकुराइन नहीं बल्कि एक माँ अपने बेटे के आंसुओं में बहती हुई चली गई थी, उस बेटी की खुशियों के लिए जिसे पाने के लिए आपने खुद हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और गिरजाघरों में दुआएं मांगी थी, उस बेटी के लिए जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल देते हैं आप। हमारी मोहब्बत को हमें कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए ठाकुराइन। जिसे हमने दुनिया भर की खुशियां दी है, हमारी एक जिद के लिए उसे अपनी ये खुशी कुर्बान करनी ही होगी। समझाइए अपने बेटे को, हमारे दुश्मन के बेटे के नाम की खुशबू तक अगर उसकी सांसों में आई तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। भाई साहब, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है, मैं सूरजभान के पूरे खानदान को जला के राख कर दूंगा। जला कर राख कर देने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता अवधेश, हम तो उस खानदान की राख को हवा में उड़ा देना चाहते हैं ताकि उस राख को गंगा जल भी नसीब ना हो। खुद चलकर तेरे निशाने के सामने आया हूं, लेकिन पुरानी बातों का फैसला करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के हालात पर
मशवरा करने के लिए आया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं राणा कि पिछले 25 सालों से तुमने अपने जख्मों को हरा रखा है, भरने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि वो जख्म मेरे दिए हुए नहीं है। तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। झूठ बोलते हो तुम। गलत फहमी ने नहीं, तुम्हारी मक्कारी और चालबाजी ने, तुम्हारे पैरों से उछाली गई उस पगड़ी ने, तुम्हारी चौकट से लौटाई गई मेरी बहन की डोली ने, और मेरी आंखों के सामने जलती हुई मेरी बहन की चिता ने। इतना सब कुछ गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं राणा, अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस गलतफहमी का शिकार होता तो मैं भी यही कहता, मैं भी यही सब कुछ करता जो तुम कर रहे हो। लेकिन सच्चाई जानने के बाद बंद करो अपनी जुबान, बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। और जिद करने से दो और दो पांच नहीं हो सकते। दुश्मनी का पेड़ आम का नहीं, कांटों वाले बबूल का होता है। काट डालो उसकी जड़ें, निकाल फेंको उसे। अगर तुम समझते हो कि सूरज भान ने तुम्हारी बहन की डोली वापस कर दी थी, तो वही सूरज भान आज तुम्हारी बेटी की डोली मांगने आया है। अपनी बेटी हमें दे दो। सूरज भान! राणा, जो इंसान दुश्मन की जान की हिफाजत करे उसकी दुश्मनी पर सूरज भान को नाज है, जैसे तुम्हारी दोस्ती पर था। तुमने मेरी जान बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है, अब दुश्मनी भुलाकर अपनी महानता का सबूत भी दे दो राणा। सूरज भान, हम दोनों हार गए। बच्चों ने हमारे हाथों से बंदूकें भी छीन ली और दिलों से नफरत भी। दुश्मनी में बहुत जी लिए, चलो आप दोस्ती में जीते हैं। तो मिलाओ हाथ। सूरज भान, कहीं 25 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराओगे तो नहीं? इस बार मेरी बेटी का सवाल है। नहीं दोस्त, ये ठाकुर सूरज भान का वचन है। क्या मांगा भगवान से? पल्लवी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था, बस साथी चाहिए था, सो मांग लिया। तुमने क्या मांगा साथी? मैंने तो दो चीजें मांगी भगवान से। दो? जल्दी बताओ क्या क्या मांगा। एक तो भगवान से मांगा कि वो मेरे साथी की प्रार्थना स्वीकार करे, और दूसरी चीज? अपने साथी का साथ निभाने की शक्ति। सच साथी, कहीं कुछ अनहोनी? कुछ नहीं होगा साथी, भगवान साक्षी है कि हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है। हमारे रास्ते में आने वाला हर तूफान हमारे फैसलों से टकराकर वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा, और रास्ते में आने वाली हर चट्टान हमारे इरादों से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। अरे भाई राणा, यकीन नहीं हो रहा, 25 साल में तुम इतने अच्छे खिलाड़ी बन गए हो। कहां के खिलाड़ी सूरज भान? अरे लीजिए, आपकी बारी आ गई। तुमने तो मुझे खेलने लायक छोड़ा ही नहीं यार। वाह वाह वाह, भाई ऐसा लगता है कि 25 साल से आप यही निशाने लगाते रहे। अरे यार, 25 साल से मैं दो ही निशाने लगाता रहा हूं, एक तो बिलियर्ड टेबल पर और दूसरा तुम्हारी छाती पर। एक निशाना तो ठीक जगह पे लगता रहा और दूसरा हमेशा चूकता रहा। मगर तुम भी तो बेहद चालाक शिकार निकले।
निशाने पर तो आते रहे मगर हर वक्त चीते की तरह छलांग मारकर निकल गए। अरे जल्दी खत्म हो जाने वाली दुश्मनी का मजा भी तो नहीं आता। हम दोनों में से कोई भी निशाना बन गया होता तो 25 साल की दुश्मनी के बाद इस दोस्ती का मजा कैसे आता। भाई ये तो 100% सही बात कही तुमने। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी बेटी। क्या हुआ बेटी को? अरे भाई उसका जन्मदिन है और मुझे न्योते देने। हाँ भाई, हमें तो किसी ने कोई न्योता व्योता नहीं दिया। लो कमाल कर रहे हो, घर वालों को भी कोई न्योता दिया जाता है? घर वालों को तो हुक्म दिया जाता है। आप भाभी जी और राजा सबसे पहले आएंगे। हाजिर हो जाएंगे। चलाएं। सूरज, भान और राणा एक साथ, ये तो कमाल हो गया। टकले की आई। सुनो टकले, सूरज भांजी है? भांजी तो नहीं लेकिन भांजा है। राजा आपकी कोई भांजी हो तो बोल देना, अपन चक्कर चलाता है। मैंने पूछा ठाकुर साहब घर पर हैं? ठाकुर साहब पहले भांजी बाद में जीजाजी। क्या करना है जीजाजी का? जाके कहो नांडू आए। क्या बताया? नांडू साहब आए। आप ओबी और साहब भी है? क्या मतलब? देखो आप ठीक तरह से अपना नाम बता दो, अगर मैंने अंदर कुछ गलत कह दिया तो मुझे पड़ेगी। क्या नाम बताओ? पी के नांडू। लगते तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो? आप यहाँ देने में अभी आया। लगता है जन्म से बहरे साला। हमारे जीजा जी भी कैसे कैसे लोगों के साथ तालुकात रखते हैं। आज मैं दीदी को बता के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने सपने भी सोचा नहीं था हमारे जीजा जी और 9, 10, 11, 12, 13 जीजा जी वो आए हैं। कौन? जॉन नहीं वो। अरे कौन आए हैं? उनका कुछ नाम तो होगा, जा जाकर पूछ कर आ। 3 बार पूछ के आया हूँ, उन्होंने बताया नहीं। दीदी के सामने बताने को शर्म आ रही है। आप भी कैसे कैसे लोगों के साथ तालुकात रखते हैं। अरे कौन आए हैं कुछ नाम तो बता। कैसे बताऊं? कान में बताऊं? क्या? ऊपर से पी क्या है? क्या बकते हो? मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, आप सही सही बता रहे हो ना, और ये भी बोला आप लगते तो नहीं लेकिन हो सकते हो। क्या बात है जी? कुछ नहीं, उल्टी खोपड़ी का है ये, पता नहीं क्या सुनकर आया है। मैं जाकर देखता हूँ। नमस्ते सूरज भान जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? भाई नांडू साहब, आप अपना नाम बहरों को मत बताया कीजिए, वो आपका हुलिया ही बदल देते हैं। मैं समझा नहीं, हुआ क्या? खैर जाने दीजिए, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? सूरज भान जी, कल मैंने सूरज पश्चिम से निकलते देखा, रात भर नींद नहीं आई। आप और राणा दोनों एक साथ किस तरह? कलेक्टर साहब आप ही नहीं, सारा इलाका यही सवाल कर रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? हमारे बच्चों की वजह से। हम दोनों तो एक दूसरे को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे और हमारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर लिया। बीच में बहुत कुछ हुआ, आखिर जीत उन्हीं की हुई और ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। वंडरफुल, इतनी अच्छी खबर जिंदगी में पहली बार सुनी है। मुबारक हो सूरज भांजी, मुबारक हो। माँ। क्या है बेटा? माँ डैडी कहाँ है? वहाँ है। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। डैडी आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, जो मांगो मिल जाता है। क्यों, आज की डिमांड क्या है? वो डैडी याद है उस दिन का इनाम उधार रह गया था? हाँ उधार तो रह गया था, हमारे सर पे वो कर्ज है अभी तक। मांगो क्या मांगते हो? वो डैडी क्या है के बोलो बोलो डैडी, वो बस धड़खड़ा गई जुबान। बच्चे
प्यार करते हो तो बोलने की हिम्मत भी रखो। डैडी तो आप जानते हैं। बेटा बाप हूँ तेरा, तेरी चाल ढाल देख के ही समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। डैडी क्या ख्याल है आपका? बेटा तेरी पसंद हमारी पसंद, और पसंद भी कोई बुरी नहीं है, और हमने भी सोचा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट कर ही देंगे। क्यों, ठीक है ना? परसों तक देर तो नहीं हो जाएगी? ये इस साइकिल में गियर कहाँ होता है? आप बिंदास चलाइए जीजा जी। अच्छा डैडी मैं चलता हूँ, शाम को प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ बेटा शाम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अरे राणा साहब से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर मेरा बेटा है। कौन लेटा है, मैं उसको उठाऊं? उठाओ लपड़ा। जा जाकर गाड़ी का सामान लेकर आ। गाड़ी का सामान? गाड़ी तो गैरेज में, सामान लेके क्या करोगे आप लपड़ा? इधर आ, तेरा कान खोलता हूँ। छी कितनी गंदी बात करते हैं आप जीजा जी। छी मैंने दाढ़ी का सामान कहा था कि गाड़ी का सामान? दाढ़ी का सामान कहा था मैंने, गाड़ी का सामान सुना। लाइए दाढ़ी दीजिए, मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं मैं सामान लाता हूँ, आप दाढ़ी बना लीजिए। आप दूध पीजिए, बहुत थके हो गए। बड़ा लपड़ा। इडियट। आ गए ना, आते तो हम मर थोड़ी जाते। मरे तुम्हारे दुश्मन, अजी हम जो है तुम पर मरने वाले। तुम? हम जो है तुम पर मरने वाले। चले जाओ यहाँ से। चले जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं, तुम्हें हासिल करने के बाद।
अब क्यों रो रही हो? उसे ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर किसी लड़की की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुमने उस बेचारे को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। खुद ही तो कह रही थी मारो, अब वो बेचारा हो गया। वो तो हमने गुस्से में कहा था। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने अपने डैडी से तुम्हारी बात भी कर ली है। सच साथी, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। वैसे तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है। वो तो है, बड़े समझदार है तुम्हारे बापू। उन्होंने तो परसों हमारी मंगनी भी तय कर दी है। दैया, इतनी जल्दी? खैर कोई बात नहीं, अब तुम देखना साथी, हम इतने बन ढंग के आएंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। नमस्ते जी। मुबारक हो सूरज भांजी, मुबारक। थैंक्स फॉर कमिंग। मुबारक हो ठाकुर साहब। राणा साहब। नमस्ते, नमस्ते। अरे बिटिया। हेलो। कैसी हो गई? नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। अरे बिटिया कितनी सुंदर लग रही है तू। गॉड ब्लेस यू। हाँ साले साहब। जी। माइक लेके आना। पाइप? घर में पानी बहुत है, अभी पाइप किस लिए? पाइप नहीं, माइक्रोफोन। फोन? सब मेहमान तो आ गए, अभी फोन किसको करना है? मर गए। माइक, माइक बोलने के लिए। हेलो हेलो, चालू है। भाइयों, आज मेरी अपनी पत्नी के साथ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर आप सबने शामिल होकर हमारी खुशियों को चार चांद लगा दिए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ 25 साल गुजारने के इनाम में कितनी बधाइयां मिलती हैं। एक पंथ दो काज, आज हमारी जिंदगी की खुशियों में एक खुशी और शामिल होने वाली है। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बेटे राजा की मंगनी की रस्म भी यहीं पूरी करने वाले हैं, और यह भी कहते हुए खुशी होती है कि हमारे खानदान की होने वाली बहू इसी महफिल में मौजूद है और हम अभी आपसे उसका परिचय करवाएंगे। हमारी होने वाली बहू है। एक मिनट डैडी। जीते रहो जीते रहो। माइक। ये मैं आप सबसे माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, मगर मैं आप सबसे और अपने डैडी से एक चीज की इजाजत जरूर चाहूंगा कि मैं अपने होने वाले साथी का परिचय खुद कराऊं। इजाजत है डैडी? हाँ इजाजत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साझेदार हो। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है। वो साथी है ये। पल्लवी, क्या बात है डैडी? राजा, अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो, बेमौका मजाक बहुत महंगा साबित होता है। डैडी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, ये मजाक कैसे हो सकता है? फैसला हमने किया था राजा,
और हमारी मर्जी के बगैर वो फैसला कोई नहीं बदल सकता। ये सारे मेहमान तुम्हारा छिछोरापन देखने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर सूरजभान सिंह के बेटे राजा और राणा साहब की बेटी मधु की मंगनी में शरीक होने के लिए आए हैं। वो मधु जिससे तुम प्यार करते हो। नहीं डैडी, मधु मेरी दोस्त है, प्रेमिका नहीं। मैंने मधु को कभी उस नजर से नहीं देखा और ना ही कभी चाहा है। मैंने चाहा है तो सिर्फ इस लड़की को, और मेरी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे मैंने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया है। आज फिर इस हवेली में 25 साल पुरानी कहानी दोहराई गई है। फिर किसी शरीफ इंसान की पगड़ी उछालकर तुमने अपने घमंड के पैरों तले रौंदने की कोशिश की है, और दोनों बार पगड़ी हमारी ही मिली तुम्हें। राणा साहब, मेरी बात तो सुनिए। बंद करो अपनी जुबान। तुम्हारी जुबान की अहमियत है क्या जो हमसे बात करने की जरूरत करे? आज हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगे। इसी चौकट में 25 साल पहले मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का गला घोंट दिया था, और आज मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ है। बार बार सिर्फ भगवान माफ कर सकता है, इंसान नहीं। और वो भी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान जिसकी गैरत को तुमने बार बार ललकारा है। ठाकुरों के नाम पे तुम एक दाग हो, ठाकुर के औलाद नहीं तुम, बोगले हो। ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। राजा, मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूं कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी जो इसकी धमकियों से डर जाएंगे। कह दीजिए इनसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकाल ले। बदतमीज, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाए? हमने तुझे सीने से लगाकर रखा था, सर पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी। तुमने तो अपना घटिया फैसला सबको सुना दिया, अब कान खोलकर हमारा फैसला भी सुन लो। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो राणा साहब की बेटी मधु ही होगी। वाह डैडी, मैं तो आपको आदर्श मानता था कि प्यार के लिए आपने दुनिया की परवाह नहीं की, मगर आज मालूम पड़ा कि आप कितने खुदगर्ज हैं। आज आप राणा की धमकियों से डरकर अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन बैठे। अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है, अब हमारी चेतावनी भी सुन लो। उस लड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे। आपका हुक्म सुन लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। सूरज भान, तुम्हारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लो। उसकी नादानी की वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे खानदान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं राणा, दोस्त, तुम एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मधु, दरवाजा खोलो, मधु दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बिटिया, अपने बूढ़े काका को कितना रुलाओगी? दरवाजा खोलो। मधु दरवाजा खोलो बेटी, हे भगवान मैं क्या करूं। मधु, मधु दरवाजा खोलो बिटिया, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे बेटी, जो तुम चाहोगी वही होगा। दरवाजा खोलो। माधो, 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 माधो बेटी, मधु, ये क्या किया मधु तुमने? मधु, बंद कीजिए रोना थोना, मेरी बिटिया को कुछ नहीं होगा। इसकी हर तमन्ना हम पूरी करेंगे, चाहे हमारी अपनी जान क्यों ना चली जाए।
बंसी काका गाड़ी निकालो। अच्छा जी, जल्दी करो। अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे बेटे के सामने डाल दिया। अगर दौलत की इतनी ही हवस थी तो अपनी बेटी के पांव में घुंघरू बांध दिए होते। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, इतना नीचा मत दिखाइए कि मैं बिरादरी के सामने नजरें न उठा सकूं। बाबा, नजरें झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर कहिए कि आपकी बेटी ने कोई पाप नहीं किया, प्यार किया है, इसे देवी देवताओं ने तपस्या माना है। अगर प्रेम करना पाप है तो राधा कृष्ण ने भी पाप किया था। ठाकुर साहब, आप मेरे बाबा से नहीं मुझसे बात कीजिए, राजा से प्यार मैं करती हूँ। छल कर रही है तू, तेरी औकात ही क्या है जो हमारे बेटे से प्यार कर सके। एक बात याद रखना लड़की, हमने अपने दोस्त राणा साहब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खून की नदियां भी बहा सकते हैं। भूल जा राजा को, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर उसकी आवाज भी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना अपने। राजा का सिंहासन मधु का दिल है, सिर्फ मधु का। सच्चाई तो यह है ठाकुर साहब कि राजा पल्लवी से प्यार करता है, मधु से नहीं। वो मेरे दिल में देवता की तरह विराजमान है। ठाकुर साहब, मंदिर से मूर्तियां निकाली नहीं जाती। हाँ, चुराई जरूर जा सकती हैं, जो आपके दोस्त की बेटी मधु कर रही है। कहना है तो जाकर उससे कहिए कि वो राजा को भूल जाए, निकाल दे उसे अपने दिल से। अगर राजा को कोई भूलेगा तो वो मधु होगी, पल्लवी नहीं। चलो बाबा। हमारे प्यार को मिटाने वालों की अपनी हस्ती मिट जाएगी साथी। मंदिर में शादी के बाद हमारा प्यार इतना पवित्र हो जाएगा कि शैतान भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। साथी, 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 चलो साथी मेरे साथ चलो। कहाँ? अग्निकुंड तैयार कर कर आया हूँ, हम लोग शादी करेंगे अभी इसी वक्त। क्या तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देने आएंगे? उन सबको छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। रिश्तों और दौलत की हर वो दीवार गिरा कर आया हूँ जो हमारी मोहब्बत के बीच आए। उन सबको छोड़कर आया हूँ जो दौलत और जागीर के घमंड में चूर है। चलो साथी, जल्दी चलो। सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या पाने की उम्मीद में आए हो? अपने साथी को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। हर चीज की कीमत होती है साथी, तुम तो कंगाल होकर आए हो। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, लौट जाओ बाबू। पल्लवी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम तो प्यार की पुजारिन थी, तुम्हें दौलत का लालच कहां से हो गया? मेरे प्यार का इस तरह मजाक मत उड़ाओ पल्लवी। मजाक उड़ाने की रस्म तो सिर्फ बड़े लोगों में होती है बाबू। हम गरीब तो हमेशा हकीकत से टकराकर अपना सर फोड़ते रहते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है दौलत, जिसके सपने हर गरीब देखता है। हमने भी देखे थे, लेकिन तुमने चूर चूर कर दिए। अब तुम हमें क्या दोगे? इसका मतलब तुमने मेरी हैसियत से प्यार किया था, मेरी दौलत की चाहती तुम्हें। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी? सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। बकवास कर रही हो तुम, नाटक कर रही हो, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। जुआ खेला था हमने, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हमने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि तुम हमें महलों में रख सको, दुनिया भर का आराम दे सको, मगर तुम तो हमें इस झोपड़ी से निकालकर बेघर करने आ गए। जाओ बाबू, अब इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये प्यार की दस्तक से नहीं, दौलत की खनक सुनकर ही खुल सकते हैं। झूठ बोल रही है तू। औरत दूसरे के दिल को तो खिलौना समझ सकती है, लेकिन अपने दिल से नहीं खेल सकती। खा मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया। पल्लवी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी दौलत से किया था।
पल्लवी, तूने घोर पाप किया है। मेरे दिल को नहीं तोड़ा, एक प्यार के मंदिर को ढाया है। भगवान करे तेरे दिल में कभी प्यार पैदा ना हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी सूरत पर मर मिटी पल्लवी? सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। मरने दे बुड्ढे अपनी छोकरी को। क्या कह रहे हो? जब मेरी बच्ची नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा? छोड़ दो मुझे। पल्लवी, मेरी बच्ची। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। ठाकुर साहब देख कीजिए, मेरी बच्ची जल जाएगी, भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। हमने तुझे समझाया था नादान, लेकिन तूने हमारी चेतावनी को बंदर भपकी समझा। अब तेरी बेटी की मौत ही उस नादानी की सजा है। नहीं ठाकुर साहब, इतने कठोर न बनो। मेरी जिंदगी में एक ही तो दिया जल रहा है, उसे न बुझाओ। चाहो तो मेरी जान ले लो। तेरी जान लेकर क्या करूं? कसूर तो तेरी बेटी का है, जिसने हम ठाकुर खानदानों की नींदें हराम कर दी है। कैसे ठाकुर हैं आप? हमने तो सुना था कि ठाकुर कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। याद कीजिए ठाकुर साहब, जिस बच्ची की आप जान लेने पे तुले हुए हैं, एक दिन उसी बच्ची ने आपकी जान बचाई थी। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने आपको जीवन दान दिया था। लड़की, आज तुझे मौत के मुंह से बचाकर तेरा कर्ज उतार दिया हमने। ए सुनो, इस लड़की को इतनी दूर पहुंचा दो जहां इसके बारे में हमारे बेटे का ख्याल तक ना पहुंच सके। जी। मुझे आपसे कुछ कहना है।
अब कहने को बाकी क्या रह गया है? जो कुछ तुमने कहना था वो तो सारी बरादरी के सामने कह चुके हो। वो मेरी नादानी थी डैडी। मैं सोचता था कि गरीबों के सिर्फ घर छोटे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि उनके दिल भी छोटे होते हैं। मेरे साथ मोहब्बत नहीं, सौदा किया गया था, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। नहीं राजा, आज तेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, इसलिए सच्चाई नहीं देख रहे हो। मामा मत कहो मुझे मामा, एक गरीब आदमी से रिश्ता जोड़कर अपने खानदान का अपमान मत करो। जैसे तुम्हारे डैडी गरीब पल्लवी के रिश्ते को अपमान समझते हैं। ठीक समझते हैं मेरे डैडी। तुम्हें अगर पल्लवी की बेवफाई और चालबाजी का पता होता तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। पल्लवी न बेवफा है न चालबाज, सिर्फ उसका एक ही दोष है, गरीबी। तुम्हारे साथ चालबाजी करने वाले लोग कोई और है, राणा साहब, जिन्होंने पल्लवी को तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। उस बिचारी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने पैर को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे सामने झूठा नाटक किया ताकि तुम उससे नफरत करने लगो। क्या बकवास कर रहे हो? ये मनगढ़ंत कहानी कहां से बनाकर लाए हो? आपकी भी कहानी सुनानी है ठाकुर साहब, ताकि राजा को पता चले उसका सगा बाप अपनी झूठी शान के लिए अपने बेटे को भी बलि चढ़ा सकता है। ठाकुर साहब, पल्लवी के घर को आग लगाकर उसे बस्ती छोड़ने पे मजबूर किसने किया? दहेज जी। ठाकुर साहब, दहेज बह रहा है, अन्ना नहीं। ये देखिए, ये आपके वो कपड़े हैं जो पल्लवी को आग से बचाते हुए चले थे। ये क्या बताएंगे राजा, ये तो पल्लवी की जान का सौदा करके आए, उसकी जान की कीमत वसूल की है, वो भी खुद की लगाई हुई आग से बचाकर। राजा, प्यार की पुजारन पल्लवी अब तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। डैडी, ये सब आपने किस लिए किया, क्यों किया ये सब? हमने जो राणा साहब को वचन दिया था, उस वचन की लाज रखने के लिए दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी हमेशा हमेशा मिटाने के लिए। इतना भी नहीं सोचा कि आपका अपना बेटा पल्लवी के प्यार के बिना कैसे जिंदा रहेगा? वचन तो मैंने भी दिया था पल्लवी को, मेरे वचन का क्या हुआ? आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? खुशी दे नहीं सकते तो खुशी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। कितना अभागा हूं मैं कि आप जैसा इंसान मेरा बाप है। राजा! बस डैडी बस, अब मैं बच्चा नहीं रहा। राजा, ये क्या कर रहा है तू? घबराओ मत मां, तुम्हारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो तुम्हारी नजरों में गिर जाए। मगर मेरा आखिरी फैसला सुन लो, जो मेरे प्यार के रास्ते में आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और इस दुश्मनी का फैसला किसी एक की मौत से होगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। करुणा, तुम भी? बाप ने तो तुझे बख्श दिया, लेकिन राणा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये जानते हुए कि तू उनकी बेटी की जगह किसी और की मांग में सिंदूर भरे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो सब।
साथी 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 हमने अपने दोस्त राणा साहब को वचन दिया है कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी और हम अपना वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खून की नदियां भी बहा सकते हैं। छोड़ दो हमें, मर जाने दिया तो हमें। नहीं साथी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हम अब भी कहते हैं भूल जाओ पल्लवी को, जिसे कभी तुमने प्यार किया था। क्या ये भी भूल जाऊं कि भगवान के सामने तुम्हें अपना बनाने की सौगंध खाई थी? नहीं पल्लवी, चाहे सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए, मैं अपना वचन पूरा करके रहूंगा। चलो राणा राणा देख लो राणा, मैं ठीक तुम्हारी हवेली के सामने आज अपने प्यार को हकीकत का रूप दे रहा हूं। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि सच्चे प्यार के सामने हर ताकत हार जाती है, चाहे वो राणा जैसे शैतान की दुश्मनी क्यों ना हो। ये प्यार की चुनौती है राणा। राणा साहब, सूरजभान के बेटे ने अपने बाप का हुक्म मानने से तो इनकार कर दिया है, अब आपको भी चुनौती दे रहा है। उसने सारे इलाके में ऐलान किया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पल्लवी से, और वो भी आपकी हवेली के सामने। कह रहा था कि अगर राणा में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। राजा, पंडित जी आ गए। शादी की रस्म जल्दी पूरी कीजिए पंडित जी। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने राणा साहब को जो वचन दिया था उसका क्या होगा बेटे? उन्होंने तो एक इंसान को वचन दिया था पंडित जी, वो भी राणा जैसे इंसान को जो प्यार का दुश्मन है। लेकिन मैंने भगवान को वचन दिया है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो क्या हुआ? भगवान मन की भावना समझता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम मेरे बेटे, उठ। तेरे रुकना अशुभ है, तू मर्द है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। क्या? रुकना नहीं बेटा, तेरा बाप तेरी ढाल बनकर खड़ा है। सार। मांग भरो बेटे। सदा सुखी रहो, चुप चुप चुप। Mm-hmm.
तो हमारे दुश्मनों का होता। नहीं पापा, अब किसी का खून नहीं बहना चाहिए। प्यार तो भगवान का वरदान है, जिसे न दौलत खरीद सकती है न ताकत छीन सकती है, न भीख में मांगा जा सकता है। मैं तो सब कुछ खो बैठा बेटी, मेरे यहां तो मेरी जिंदगी जा रही है। उधर देखिए पापा, पल्लवी में भी आपको अपनी बेटी ही नजर आएगी। अंकल बोल बेटी बोल, तेरे लिए मैं सारे फैसले बदल दूंगा, सारे वचन तोड़ दूंगा। नहीं अंकल, वचन तोड़ने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए दी जाते हैं। और सबसे बड़ा वचन होता है प्यार का, जो राजा ने पूरा किया। पल्लवी की मां में सिंदूर भरकर मुझे माफ कर दो मधु। नहीं मेरे दोस्त, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारे और पल्लवी के प्यार के बीच दीवार बन गई थी। नहीं